वहीं धमतरी में पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी अवैध शराब का कारोबार बंद नहीं होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं भकावा पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 60 पौवा देशी शराब बरामद हुआ। साथ ही पुलिस ने मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो लोग मोटरसाइकिल में ग्राम डोमा की ओर अवैध रूप से शराब बेचने के लिए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर शराब लेकर जा रहे दोनों व्यक्तियों को पकड़ा। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी शीतराम सोनवानी और चंद्रहास सोनवानी को गिरफ्तार किया गया है और दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। सूचना मिली कि ग्राम डोमा की ओर से दो व्यक्ति शराब लेकर अवैध रूप से आ रहे हैं। मौके पर मेरी पार्टी पहुंची, दो व्यक्ति बाइक में आ रहे थे जिन्हें रोक कर चेक किया गया। उसमें सीताराम सोनवानी और एक व्यक्ति चंद्रहास सोनवानी, दोनों भाई है, ग्राम डोमा के रहने वाले हैं। ये अवैध रूप से 40 पौवा देसी प्लेन शराब और 20 पौवा देसी मसाला शराब, कुल 60 पौवा जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है।